हे एवरीवन, दिस इज़ रवि और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं APIs। सो इस सेशन को मैंने तीन अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ API, REST API वेब सर्विसेज, व्हाई आर दे यूज इन मोबाइल एप्लीकेशंस और हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम API यूजिंग स्विफ्ट, यानी स्विफ्ट के थ्रू आप APIs को कैसे कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ API, REST API एंड वेब सर्विस। सो बेसिकली जो REST API या फिर वेब सर्विस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस इसे अलग अलग डेवलपर्स इसे कुछ इसे REST API बोलना पसंद करते हैं, कुछ इसे वेब सर्विस बोलते हैं या फिर कुछ कुछ लोग इसे सिर्फ API बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर द सेम थिंग, राइट। अब ये API होता क्या है? तो बेसिकली आपके मोबाइल एप्लीकेशन को कुछ डेटा चाहिए रहता है सर्वर से, तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है कि मुझे ये रिक्वेस्ट फुलफिल करनी चाहिए या नहीं चाहिए, एंड बेस्ड अपॉन दैट सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स थ्रो करता है, ठीक है। इसे और थोड़ा मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे वेन यू आर किड्स, राइट, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप आपके पेरेंट्स से कुछ जिद करते थे कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए या फिर मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते थे, आपकी उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करते थे कि हाँ भाई मुझे ये इज्जत पूरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एंड बेस्ड अपॉन दैट अगर वो बोलते कि हाँ चलो मैं इसे चॉकलेट खरीद के दे देता हूँ, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे चॉकलेट मिल जाती है। तो इस केस में आप क्लाइंट हो, आपके पेरेंट्स सर्वर है, और एंड में आपको जो चीज़ मिल रही है, जैसे जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे आपने चॉकलेट के लिए रिक्वेस्ट किया तो आपको चॉकलेट मिल रही है, आपने एक कुछ कपड़ों के लिए रिक्वेस्ट किया तो आपको कपड़े मिल रहे हैं, तो उस तरीके से एक पूरा मॉडल होता है क्लाइंट और सर्वर का। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करने जैसी है कि अगर आप चॉकलेट रिक्वेस्ट करते हो तो आपको कपड़े नहीं मिलते, आपको चॉकलेट ही मिलता है, राइट। अगर आप कपड़े रिक्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ और नहीं मिलता, आपको कपड़े ही मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वही सर्वर रिटर्न करता है, वो कुछ और रिटर्न नहीं करता, राइट। सो ये हो गया हमारा क्लाइंट और सर्वर मॉडल। जो APIs हैं वो एक आप बोल सकते हो कि एक इंटरमीडिएटरी, एक मिडल मैन है बिटवीन योर सर्वर एंड योर एंड क्लाइंट, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन API के थ्रू सर्वर से बात करता है, ठीक है। और वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी हम आने वाले हमारे एग्जांपल में देखते हैं, राइट। सो ये जो सेकंड पॉइंट है, व्हाई आर दे यूज्ड इन मोबाइल एप्लीकेशंस, अब लेट्स से मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वो डेटा तो मैं मोबाइल में स्टोर नहीं करूँगा, तो उसके लिए मोबाइल से भी पहले देर वेर यू नो लाइक पूरा जो डेटा होता है एम्प्लॉयज़ का वो एक बहुत बड़े डेटाबेस में स्टोर होता है। आपने SQL सुना होगा और ओरेकल सुना होगा या फिर SAP सुना होगा, राइट। तो ऐसे बड़े बड़े डेटा बैंक्स में डेटा होता है, तो आप वो डेटा वहाँ से कैसे लाएंगे, वो डेटा वहाँ से API के थ्रू लाएंगे। तो एज आई सेड, जो API होता है वो मिडल मैन होता है आपके क्लाइंट और सर्वर में, और क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप अगर आपको सही तरीके से समझना है, जैसे मैंने वो एक एग्जांपल दिया आपको कि व्हेन यू वर किड यू रिक्वेस्टेड समथिंग विद आपके पेरेंट्स से एंड आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ ला के देते, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो, विच विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, राइट। सो द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम API यूजिंग स्विफ्ट। तो ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा सीधा पॉड यूज़ करते हैं। देर इज़ अ वेरी गुड पॉड, क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ, मे बी आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग विच इज़ जो बहुत ही एडवांस है, उसे मुझे आने वाले सेशंस में और अच्छे से समझाना चाहिए, राइट। तो पॉड अभी के लिए समझ लेते हैं कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ओके। सो मेरे को कुछ कलीग्स हैं जो पॉड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि नहीं मुझे अगर सर्विस से डेटा चाहिए या फिर API से डेटा चाहिए तो मैं पॉड यूज़ कर दूंगा। सो मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्विफ्ट में इनबिल्ड बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको इजीली वो डेटा प्रोवाइड करेंगी और आपको कोई थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि होता क्या है कि अगर लेट से एप्पल ने कुछ चेंजेस किए और वो थर्ड पार्टी उस चेंजेस को सपोर्ट नहीं करते और वो बंद हो गया, तो इसके केस में आपका पूरा एप्लीकेशन बंद पड़ सकता है, राइट। सो आप कभी भी आपके एप्लीकेशन में कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हो या फिर कोई भी जैसे GitHub है, वहाँ से आपने कोई भी कोड डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में डाल दिया, तो इसके गुड इम्पैक्ट हैं और बैड इम्पैक्ट भी है। गुड इम्पैक्ट ये है कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है वो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कोडेड है, लेकिन वो आपका कोड नहीं है,
राइट तो आपको पता नहीं उसमें, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप डिबग नहीं कर पाओगे, राइट। सेकेंडली मैं इसीलिए इनबिल्ड लाइब्रेरीज जो स्विफ्ट प्रोवाइड करती है उसका यूज़ करना इसलिए ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि वो एप्पल का कोड है और एप्पल विल मेक श्योर दैट नथिंग, अगर वो उनकी लाइब्रेरीज अपडेट भी करते तो नथिंग रॉन्ग हैपन्स टू योर प्रोडक्ट, राइट। सो दैट्स वाई एम प्रमोटिंग कि जहाँ तक हो सकता है आप इनबिल्ड क्लासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करें, ठीक है। सो दैट बींग सेड, मेरे पास एक API है, मैंने जेसन प्लेस होल्डर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे ही आप इस URL को कॉल करते हो तो आपको ये कुछ डेटा आता है, इस टाइप में कुछ डेटा आता है। तो जो इस टाइप में डेटा को इस टाइप का जो फॉर्मेट जो डेटा आपको रिटर्न होता है उसे जेसन कहते हैं, राइट। सो जेसन क्या है, ये किस, जैसे कि मैंने बोला कि आप जब भी आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो आपको चॉकलेट ही रिटर्न होता है, तो उस तरीके से जेसन भी एक फॉर्मेट है। मैं सर्वर को बोलता हूँ कि मुझे डेटा चाहिए लेकिन डेटा का जो फॉर्मेट है वो जेसन होना चाहिए, तो मेरा सर्वर मुझे जेसन में डेटा रिटर्न करता है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे XML में चाहिए डेटा तो वो XML में रिटर्न करता है। तो जेसन क्या है, XML क्या है, ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मेरा वो एग्जांपल याद रखो जहाँ पे एक छोटा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे कपड़े चाहिए तो उसके पेरेंट्स उसे कपड़े रिटर्न करते हैं, राइट। सो दैट कपड़ा एंड दैट चॉकलेट इज़ द आउटपुट टाइप, राइट। सो लेट मी कॉपी दिस and let me go back. So अभी हम इस URL से ये डेटा गेट करेंगे, जैसे कि यूज़र ID 1, ID 1, टाइटल, ये आई थिंक स्पेनिश में कुछ लिखा है पता नहीं, कम्प्लीटेड इज फॉल्स, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको रीड कर, ये जैसे कि मैंने बोला एक जेसन डेटा है तो इसको आप कैसे रीड करोगे, यूज़र ID इज़ द की, 1 इज़ द वैल्यू, ID is the key, 1 is the value, title is the key, पता नहीं, this is the value, completed is the key and false is the value, right? So एक key value pair बनता है यहाँ पे। So let's go back to Xcode. अब क्योंकि मैं एक web service call करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक import करना पड़ेगा playground support, और यहाँ पे मैं बोलूँगा जो करंट पेज है नीड्स इनडेफिनिट एक्सिक्यूशन इक्वल्स टू, यानी ये नीड्स इनडेफिनिट एक्सिक्यूशन क्या होता है, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंडिकेट्स वेदर द प्लेग्राउंड पेज नीड्स टू एक्सिक्यूट इनडेफिनेटली, विच मीन्स दैट वेन एवर यू प्रेस दिस प्ले बटन, तो आप प्ले बटन जब प्रेस करते तो होता है क्या कि वो एक साथ सारा का सारा एक्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं एक सर्विस कॉल करने वाला हूँ तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने अपने क्लोजर्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप सर्वर से कुछ डेटा रिक्वेस्ट करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेटा रिटर्न करने में, तो उस केस में आप क्लोजर्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये कमांड डाल के प्लेग्राउंड को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपका एक्सिक्यूशन जो है, जैसे ही मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा तो ये पूरा कोड एक साथ एक्सिक्यूट होगा, तो आपका जो एक्सिक्यूशन है वो पूरा ख़त्म होने के बावजूद भी कुछ तो एक प्रोसेसिंग है जो फॉर विच आई एम वेटिंग, तो उसे भी कंप्लीट होने दो, राइट। सो इट वॉन्ट किल योर इट वॉन्ट किल द करंट थ्रेड, इट विल कीप दैट थ्रेड अलाइव। सो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन, आई वुड से गेट डेटा which returns nothing. So यहाँ पे जो क्लास है, जो इनबिल्ट क्लास है जिससे आप इस API को पार्स कर सकते हो, उसका नाम है URLSession.shared. Okay? और यहाँ पे क्योंकि मुझे इस URL से डेटा चाहिए तो मैं बोलूँगा let service URL equals to URL, और यहाँ पे एक मेथड है, अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब मेरा एक टास्क चलेगा। I'll explain this code once I'm done writing. So session के पास एक डेटा टास्क है
और यहाँ पे ये एक पैरामीटर लेता है यूआरएल का, तो मैं इसे सर्विस यूआरएल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एक कंप्लीशन हैंडलर है, आप देख सकते हो कि ये एक इनबिल्ट क्लोजर है। अगर आपको क्लोजर के बारे में थोड़ी और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो क्लोजर्स के बारे में। सो ये जो डेटा है, दिस इज सर्विस डेटा, दिस इज सर्विस रिस्पॉन्स और ये है एरर। सो ये तीन पैरामीटर क्या है? ये तीन पैरामीटर ये है एरर, यानी कि अगर सर्वर से आपको डेटा नहीं आया तो उस केस में ये पॉपुलेट होता है, या फिर कोई भी लेट से इंटरनेट नहीं है या जो भी है, वट एवर दी रीज़न में भी, सो दिस वैल्यू विल बी, दिस वेरिएबल विल बी पॉपुलेटेड विद डेटा। सर्विस रेस्पॉन्स यानी कि जब भी आप आपको सर्वर से रेस्पॉन्स आता है तो उसका एक स्टेटस कोड होता है, तो आप स्टेटस कोड इसमें चेक कर सकते हो। वो क्या होता है वो मैं अब जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। सर्विस डेटा यानी कि आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है सर्वर से, तो उसका जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट? अब ज़रूरी नहीं है इसको सर्विस डेटा, सर्विस रिस्पॉन्स या फिर एरर इस नाम इस तरीके का नेम दो, बट ये जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। उस कोई भी अगर थर्ड डेवलपर देख रहा है आपके कोड को तो उसको समझना चाहिए कि ये क्या है, ये वेरिएबल क्या होल्ड करता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। यहाँ पे एक एरर आ रहा है एंड आई थिंक इट्स कंप्लेनिंग अबाउट दिस। ओके, सो मैं बोलूँगा कि अगर एरर इज इक्वल्स टू निल, यानी कि कोई भी एरर नहीं है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा HTTP रेस्पॉन्स, लेट मी रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, ऑप्स response is service response as HTTP URL response. Okay, so यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, let me add this. यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा एरर, इफ़ आई डोंट हैव एनी एरर, यानी कि मेरा सर्विस से डेटा सर्वर को डेटा रिक्वेस्ट करते हो अगर कोई एरर नहीं आया, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा HTTP स्टेटस कोड क्या है। सो HTTP स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है कि अगर सर्वर में कुछ गड़बड़ होती है तो सर्वर आपको एक स्टेटस कोड भेजता है, जैसे कि 500 या यू नो लाइक 404 या 400। तो हर एक स्टेटस कोड का एक मीनिंग होता है, जैसे कि 500 होता है इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा था लेकिन सर्वर में कुछ गड़बड़ी आ गई। 404 का मतलब होता है 400 इज़ अ बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि आप जो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे 1 डाल रहे हो तो 1 तो है उसके पास, लेकिन अगर आप -1 डाल रहे हो तो सर्वर एक बैड रिक्वेस्ट थ्रो करेगा, वो बोलेगा कि आप इस तरीके की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक -1 है, राइट? सो देर आर वेरियस स्टेटस कोड और ईच स्टेटस कोड का एक मीनिंग होता है। यहाँ पे जो हम स्टेटस कोड का चेक करेंगे वो होगा 200, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सही है और सर्वर से डेटा आपको सक्सेसफुली आ चुका है। सो यहाँ पे वो करने के लिए मैं सर्विस रिस्पॉन्स को कलेक्ट करूँगा और उसे कन्वर्ट करूँगा HTTP URL रिस्पॉन्स से, क्योंकि HTTP URL रिस्पॉन्स वो क्लास है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सर्वर ने किस टाइप का स्टेटस कोड रिटर्न किया है, या क्या वो 200 है, क्या वो 400 है, क्या वो 404 है, राइट? सो लेट मी go ahead and say if HTTP response dot status code is 200, यानी कि हमारी जो request है वो request बराबर है और server से एक response भी आ चुका है, तो उस case में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरा data parse करूँगा। data parse करना यानी कि आपका जो भी data है आप उसको read करना चालू करोगे। तो क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो एक जेसन डेटा है, तो स्विफ्ट में अगर आपका आउटपुट टाइप जेसन है तो जेसन रीड करने के लिए एक अलग क्लास है, राइट? सो लेट मी से लेट जेसन डेटा इक्वल्स टू जेसन सीरियलाइजेशन जेसन ऑब्जेक्ट
और यहाँ पे सर्विस डेटा आ जाएगा, इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड दिस कैन बी, या तो आप इसे इम्यूटेबल कंटेनर्स कर सकते हो या तो आप निल निल रख सकते हो, इट डिपेंड्स। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ये हो सकता है कि ये जो जेसन सीरियलाइजेशन का जो जेसन ऑब्जेक्ट मेथड है, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर दिस इज यू नो लाइक अगर ये सर्विस डेटा निल आया या फिर फॉर सम रीज़न इट्स अनेबल टू कन्वर्ट योर डेटा और रीड योर डेटा, तो हम ट्राई यूज़ करेंगे। सो ये जो ट्राई कैच क्या है, ये हम हमारे आने वाले सेशंस में देखेंगे कि ये व्हाट इज़ ट्राई, ट्राई कब यूज़ करना चाहिए। मोस्टली मैं ट्राई यूज़ करना अवॉइड करता हूँ, बट देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे आप इनबिल्ट मेथड्स कुछ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट यू हैव टू राइट ट्राई। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे को डेटा आ रहा है उसको मैं जेसन में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे ट्राई इसलिए है बिकॉज जो जेसन ऑब्जेक्ट है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यू नो लाइक इट काइंड ऑफ लाइक थ्रोज एन एक्सेप्शन, सो इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है। सो लेट मी डू दिस, लेट मी प्रिंट जेसन डेटा। अब आप देख सकते हो कि जो जेसन डेटा है इसका टाइप एनी है, राइट? एनी इज अ कीवर्ड इन स्विफ्ट जहाँ पे यू नो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एरे, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी व्हाट बी यू नो लाइक व्हाट एवर इट वांट्स। सो ओके, अभी मेरे पास कुछ वार्निंग्स आ रही है, तो लेट मी फिक्स दैट वार्निंग। ओके, ये बोल रहा है कि मैंने टास्क यूज नहीं किया इसलिए रिप्लेस इट विद एन अंडरस्कोर, दैट्स फाइन, वी कैन इग्नोर दैट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है जो जैसा कि मैंने बोला कि सर्विस को जो कॉल होती है वो थोड़ा टाइम लेती है, सो इसीलिए ये जो टास्क है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टास्क डॉट रिज्यूम, यानी कि अगर ये जो मैंने यहाँ पे क्लोजर डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप रिक्वेस्ट दे दो सर्वर को और जब सर्वर से डेटा आया तो यहाँ पे जो कोड लिखा है वो रिज्यूम हो जाएगा, राइट? यहाँ पे आपने जो कुछ भी कोडिंग की है कि भाई HTTP रिस्पॉन्स ये वो जेसन को पार्स किया हुआ है आपने, तो ये सारा कोड रिज्यूम होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस गेट डेटा, सो लेट मी रन दिस। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि हमें वही रिस्पॉन्स आया हुआ है जो हमें यहाँ पे क्रोम में दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ यूज़र आईडी चाहिए, तो मैं यूज़र आईडी कैसे गेट करूँ? सो उसके लिए जैसा अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है ये एक की है, ये उसकी वैल्यू है, ये एक की है, ये उसकी वैल्यू है। तो स्विफ्ट में अगर आपको की वैल्यू पेयर रीड करना है या फिर की वैल्यू पेयर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डिक्शनरीज। सो लेट मी डू दिस, लेट से रिजल्ट इक्वल्स, मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ यहाँ से। सो आई वुड से जेसन डेटा एज डिक्शनरी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड एनी। सो यहाँ पे डिक्शनरी जो ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये हमें पता है कि यहाँ पे जो की होती है वो की हमेशा स्ट्रिंग में होती है और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो वो जैसा आप देख सकते हो आप ये इंटीजर है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, राइट? तो इसलिए हमने एनी रखा हुआ है। सो लेट मी ट्राई एंड प्रिंट रिजल्ट ऑफ आईडी, और अगर आपको डिक्शनरी से अगर किसी भी की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से कुछ करते हो, राइट? आप वेरिएबल लिखते हो और फिर उसके बाद उस वो की स्पेसिफाई करते हो जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। सो लेट मी डू दिस, आईडी इक्वल्स एंड लेट मी रन दिस। ओके, सो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे
आईडी मिल चुका है जो कि 1 आ रहा है. नाउ व्हाई इज दिस कंप्लेनिंग अबाउट स्ट्रिंग इंटरपोलेट प्रोड्यूसेस अ डीबग डिस्क्रिप्शन. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन यूज स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन या फिर जैसा पहले था वैसा भी आप कर सकते हो. डिपेंड्स, इट्स अप टू यू. या फिर अगर आपको यहाँ पे ऑप्शनल नहीं देखना या फिर ये भी नहीं करना तो यू कुड डू समथिंग लाइक दिस. रिजल्ट आईडी एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस. ओके, okay, apparently my Xcode seems to be hanged. Okay, perfect. So आप देख सकते हो यहाँ पे ID is 1. I think मैंने एक bracket extra डाल दिया तो मैं उसे निकाल देता हूँ. And let me run this again. Perfect. तो उसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं title read कर सकता हूँ. Let me run this. And I get the title. Let me try to run something which is non-existing. Let's say Apple. तब देखते क्या होता है. तब आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली फाउंड, तब आपको यहाँ पे इन शॉर्ट एक एरर मिलता है कि क्योंकि एप्पल तो है ही नहीं, राइट. सो आई कैन गो अहेड एंड रीड एनी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ द कीज दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर, राइट. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो तरीका है जेसन पार्सिंग का, ये बहुत ही ट्रेडिशनल, ये बहुत ही ओल्ड फैशन तरीका है. तो आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से थोड़ा सा कम एफर्ट लेके आप जेसन को पार्स कर सकते हो. उसके लिए हमें कोडेबल समझना पड़ेगा. तो कोडेबल वुड बी माय अपकमिंग वीडियो. उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि आप किस तरीके से कोडेबल का यूज़ करके आप सर्विस को पार्स कर सकते हो, राइट. वरना आप यहाँ पे लेट्स से अगर आपके कोई भी डेवलपर है उसने कुछ इस तरीके से कर दिया या फिर एक नॉन एग्जिस्टिंग की डाल दी यहाँ पे, तो होगा क्या, आपको रन टाइम क्रैशेस आएंगे, राइट. एंड यू डोंट वांट दैट, यू वांट टू अवॉइड दोस, राइट. सो दिस वाज द वीडियो ऑन एपीआई. हमने ये वीडियो में देखा कि एपीआई क्या होता है. हमने ये देखा कि क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एक ऑफ अ किड रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम हिज पेरेंट, और द किड इज़ द क्लाइंट एंड द पेरेंट इज़ द सर्वर, और जो पेरेंट है वो रिटर्न कर रहा है उसको या तो चॉकलेट है या कपड़ा या जो भी उसकी जिद है उस टाइप से चीज़ें रिटर्न कर रहा है, राइट. हमने ये देखा कि स्विफ्ट में इनबिल्ड एक क्लास है जिसका नाम है URLSession. URLSession क्या करता है, वो आपकी जो भी सर्विसेज है, वेब सर्विसेज है, उसे पार्स करता है, राइट. वो कैसे पार्स करता है, वो ऐसे पार्स करता है, राइट. और टास्क रिज्यूम क्या है, टास्क रिज्यूम इज़ अ मेथड जहाँ पे बिकॉज दिस इज़ एन API कॉल, इट टेक्स टाइम फॉर द सर्वर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स. Hence, what task resume does is, task resume, जब भी सर्वर से आपको डेटा मिलता है तब वो ये कोड ट्रिगर कर देता है, राइट. सो दैट वुड बी इट फॉर अवर टूडेज वीडियोज. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.